करण कार से आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मित्सुबिशी पजेरो, जो कि 2004 डीजल वेरिएंट है, और ये मॉडल आपको 4x4 मिल जाएगा। आपको इनके ओनर से मिलवाते हैं। हाँ जी भाई, आपका क्या नाम है? नमस्कार जी, मैं समीर शर्मा, चंडीगढ़ से। ओके जी, ये आपने कार कब खरीदी थी? जी सर, इसको मुझे हो गए 6 महीने से ऊपर। तो 6 मंथ्स हो गए आपको कार खरीदे। आपको आपने क्या सोच के, मतलब कि कितने की खरीदी है आपने वैसे? सर ये मैंने खरीदी है तकरीबन 3.5 की। अच्छा, 3.5 लाख की। आपको 3.5 लाख की? यार 3.5 लाख में तो, 3.5 लाख में तो यार बहुत अच्छी कार मिली है इनको। और इसमें फीचर्स आपको बाद में बताएंगे वीडियो के अंदर, पहले इनसे पूछते हैं आपने इनमें इसमें क्या क्या करवाया। आपने इस कार में आपने क्या क्या एसेसरीज फिट करवाई हैं? जी वेल, ये जिनसे मैंने गाड़ी ली है ओके वो लेडी है, लेडी ड्रिवन कार है। ओके, और उनकी फैमिली बाहर जा रही है। ओके, तो मोस्टली गाड़ी, ये कोई भी गाड़ी नहीं कोई बेचता तकरीबन, ज़्यादा से ज़्यादा जिनके पास जो ऑफ राइड ड्राइव करना चाहते हैं और जो प्लेजेंट विद फुल फैमिली जाना चाहते हैं, तो पहली गाड़ी है ये। ओके, इंडेवर से भी पहले। ओके, जो यहाँ पे बिना किसी रुकावट बिना किसी दिक्कत के ये ओके चलती है, और मेंटेनेंस कोई इशू ही नहीं है, कोई सेंसर वाला कुछ होल ही नहीं है। नहीं, आपको कोई मेंटेनेंस में लगा नहीं आपको ज़्यादा यार खर्चा दे रही है मेरी कार? देखिए, एक तो एसयूवी है, ऊपर से माइलेज अगर आप देखें तो कौन सी एसयूवी माइलेज देती है आपको 10 से 12? ये मुझे 14 देती है। अभी मैं 2000 में शिमला जाकर आया हूँ, 100 किलोमीटर की दूरी है। ओके, इस गाड़ी में आप शिमला? बिल्कुल, मैं इस पर शिमला जाकर आया हूँ, और मेरा आगे का भी प्लान है कि मैं मनाली जाऊँ, मनाली से आगे। कितनी माइलेज मिली आपको कार की? हाँ जी, 14 14 की माइलेज मिली। और आप कितने का आपका खर्चा लग गया तेल का आने जाने का? 2000 के बीच में आप लगा के चले, टोल टैक्स और ये सब कुछ इंक्लूड करके 2000-2200 के बीच में। ओके ओके, और ये आपने स्मूथ है, कोई स्किड नहीं, आइस गिरी हुई थी पीछे, अभी नए साल पे गए थे तो बर्फ इतनी गिरी हुई थी, वहाँ पे भी हमारी कोई राइड में कोई खराबी नहीं आई। आप इसमें ये है एक ऑप्शन कि आप 4x2 भी कर सकते हैं और 4x4 भी कर सकते हैं। ओके, ये अलॉय व्हील्स आपने डलवाए हैं जो आफ्टर मार्केट आपने डलवाए हैं कि कंपनी मैंने जिनसे खरीदे उन्होंने डलवा रखे थे? अच्छा, उन्होंने नई टायर, नई बैटरी, सब कुछ। ओवरऑल इनमें आपको बताऊं, इसमें कोई अभी मैंने कोई काम ही नहीं करवाया। अब मैं सोच रहा हूं कि हाँ, थोड़ी पुरानी गाड़ी है जिसके कारण इसका जो पेंट है उसको थोड़ा फेड सा हो गया, और होता भी है जब पुरानी चीज़ है, बट उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के लिए सोच रहे हैं। जबकि चंडीगढ़ में कहते हैं कि चलान है रैप का, मैं इसे गोल्डन रैप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फिल्मों में शूटिंग्स होती हैं हमारी। अच्छा, तो आपने ये कार फिल्मों में यूज़ करनी है? जी बिल्कुल, कोशिश है कि हमारी अगर शूटिंग में चली जाती है तो ठीक है, वरना हमने सेल के लिए भी लगा रखी है। ओके ओके, आपको इसमें यार 2500 cc का इंजन मिल जाएगा, और इसमें आपको टायर्स मिलते हैं, आपको 18 इंच टायर्स हैं इसके? हाँ जी। ओके, 18 इंच टायर्स आपको मिल जाएंगे इसके। आपको गाड़ी की रेयर दिखा देते हैं, बैक साइड कुछ है इस टाइप की, आपको बैक साइड मिलेगी कार की। और इसमें आपको इंटरकूलर टर्बो मिल जाएगा, और ये कार 4x4 है, जो कि बहुत अच्छी है, अच्छी चीज़ है। और इनके ओनर से पूछिए, आपको 6 मंथ्स हो गए कार लिएगा? हाँ जी। ओके, इन 6 मंथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम लगी कार में? देखिए, मैंने जैसी गाड़ी खरीदी मैंने सर्विस करवाई। ओके, एक जो सर्विस मुझे 3500 से 4000 की पड़ी। ओके, उसके बाद से मेरे पास अभी 6 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सर्विस कॉस्ट कितना आता है इस कंपनी से? अराउंड आप लगा लीजिए 3000-3200 रुपये, बट फिल्टर सब कुछ चेंज करवाने के बाद, ऑयल सब कुछ चेंज कराने के बाद आपको टोटल 4000 के बीच में बच जाती है। ओके ओके ओके, अब चलते हैं हम गाड़ी के अंदर, आपको गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। अब हम गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं इसमें इतने ओल्ड मॉडल में आपको कैसे कैसे। ये आपको पावर विंडो मिल जाएगी, जो कि ऑटो पावर विंडो है, और यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिश दी गई थी। और ये गाड़ी का इंटीरियर अंदर से, ये अंदर से ओवरऑल गाड़ी आपकी, और ये इसके एसी वेंट्स। इसके एसी में आपको कोई प्रॉब्लम लगी? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगी। ओके, अच्छी कूलिंग करता है उस हिसाब से भी? मैं कह रहा हूँ मैंने कोई इसमें चेंज नहीं
किया okay, okay. कुछ भी, बस एक मेरी सर्विस हुई है 3500 से 4000 की, उसके बाद उससे पहले जैसे मैंने ली है एसी का कोई नहीं, अभी जैसे सर्दी चल रही है तब भी ब्लोअर बहुत बढ़िया चल रहा है okay, मुझे okay. कोई परेशानी नहीं आ रही. इस साइड भी यार आपको मिरर ऑप्शन नहीं मिलेगा, और दूसरी साइड आपको मिरर ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप ऑप्शनल लगवा सकते हैं, लगवा सकते हैं उस टाइम के हिसाब से. मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे मिरर ऑप्शन मिल गया आपको इस साइड भी. ओके ये इसका यार 4x4 गियर, 4 high 4 low, और ये इसका नॉर्मल गियर. यहाँ पे स्पेस दी गई है आपको, ये सॉरी ये चार्जर सॉकेट है जी. और ये स्पेस दी गई है आपको नॉर्मल, ये आपको यहाँ पे भी सॉकेट है, प्लस आपका यहाँ पे भी ग्लास होल्डर है, होल्डर प्लस, और ये भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी. डैश में काफी स्पेस है, डैशबोर्ड में आपके मर्जी. हाँ ओके ओके यहाँ ठीक, और आपके पास, और ये हैंड रेस्ट के अंदर भी स्पेसेस के डबल है राइट, तो डबल स्पेस राइट प्लस पीछे के लिए रियर के लिए एसी, और ये रूफ पे लाइट मिल गई आपको. एक सीटें इतनी कंफर्टेबल है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी एसयूवी में बैठे. हाँ भाई यार सीट तो कंफर्टेबल है बहुत कार की वैसे. और ये ओवरऑल लुक अंदर से गाड़ी की, और ये इसमें आपको एसी मैनुअल मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हो, और ये फ्यूल के लिए आपको मिलेगा इस साइड पे. ज़्यादातर नॉर्मल गाड़ियों में इस साइड में फ्यूल के लिए आता नीचे, बट इसमें इस साइड दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छी चीज़ लग रही है मेरे को यार. अब हम गाड़ी के बैक साइड आ गए हैं, और यहाँ पे भी आपको लेदर फिनिशिंग मिलेगी इस साइड भी, और ये पावर विंडो, और यहाँ पे आपको ये क्रोम की फिनिशिंग, और ये बैक साइड है इसके. बैक साइड देखते हैं इस पर कितना स्पेस है इसमें मिलता आपको. अभी मैं बैठ के बैक साइड पे थोड़ा सा स्पेस कम लगा, सीट ज़्यादा पीछे की हुई आपने, ज़्यादा लंबा आदमी बैठेगा तो थोड़ी सी तो स्पेस होगी ना. ओके ओके, और एसी वेंट्स आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे और पीछे की साइड भी मिल जाएंगे. ये गाड़ी की बैक साइड लुक, और ये यहाँ पे भी आपको एसी सेटिंग के लिए मिल जाएगा बैक साइड, जो बैक के पैसेंजर के लिए ज़रूरी है. और इस कार का प्राइस आपको 18 से 19 लाख तक का पड़ता था आरटीओ इंश्योरेंस मिला के उस टाइम के हिसाब से. और इनके ओनर से हम पूछेंगे, आप कार से सेटिस्फाइड हो? जी बिल्कुल, सेटिस्फेक्शन तभी तो मेरे पास है और मैं चला रहा हूँ इसको. ओके, आपको कोई कमी लगी कार में? और कोई मुझे इसमें कोई कमी नहीं लगी, बस थोड़ा सा नई से आप कंपैटिबल करो okay. तो नई का प्राइस भी देखिए आज के टाइम में, और पुरानी का देखिए, और फंक्शन देखिए. फंक्शंस में आज की जो गाड़ियाँ उनमें सेंसर्स, बारिश में जाइए कहीं जाइए सेंसर्स नहीं बोलते, और ये बिल्कुल मैन्युअली आप जिस मर्जी से ठीक करवा लीजिए. ओके ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, आपको ऐसी और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएंगे. और